सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई PUBG लाइट के अंदर एक न्यू अपडेट आया है 0.21.0। ये एक न्यू अपडेट आया है। अभी तक आप अपडेट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, अपडेट कर लेना। लेकिन अपडेट कहाँ से करें, इंडिया पर तो PUBG लाइट बैंड है तो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर आ जाओगे, बहुत ही सारी वीडियो मिल जाएगा, उनमें से बताया जाएगा कि भाई दो फाइल को डाउनलोड करो और चलने लग जाएगा, न्यू अपडेट हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये प्रॉपर तरीके से अभी तक किसी ने नहीं बताया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप एकदम प्रॉपरली दिखाऊंगा कि आप अपनी PUBG लाइट को कैसे अपडेट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, आपको PUBG लाइट न्यू अपडेट के बारे में सब कुछ जानकारी भी मिलेगा और कैसे अपडेट करना है, क्योंकि कुछ ऐसा गलतियां कर देते इसलिए ये प्रॉब्लम दे देती है। देख रहे हो ना, यहाँ पर दिखाएगा कि भाई आपका जो OBP है ना वो काम नहीं कर रहा है, जो 10 सेंट है ना जो फाइल है उसे काम नहीं कर रहा है। तो कैसे सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर PUBG से रिलेटेड एंड फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो एंड टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेगा। और एक चीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत करें, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो कोई एक पार्ट मिस कर दोगे और आपका जो अपडेट वाला जो फाइल है ना वो फाइल काम नहीं करेगा। बाद में आप वीडियो में आके कमेंट करोगे भाई तू फेक वीडियो बनाता है, तो इसलिए भाई वीडियो को स्किप मत करें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपने फ़ोन के अंदर जो पुराना वाला PUBG लाइट है ना उसे अनइंस्टॉल करना होगा। कर दिया, तो रुको भैया, PUBG लाइट को अनइंस्टॉल जब करोगे ना, तीन तरीके से होता है, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर लिया था मैं जब PUBG लाइट को अनइंस्टॉल कर लिया। देखिए, यहाँ पर आ जाइए, ये अनइंस्टॉल कर लीजिए। करने के बाद आप अपनी मेमोरी कार्ड में जो फाइल है ना यहाँ पर जाइए। जाने के बाद PUBG लाइट को जो डाउनलोड हो या एक्जेंटर पर डाउनलोड फाइल पर हो या कोई भी फाइल पर हो ना उसे ढूंढ कर PUBG लाइट को अनइंस्टॉल करिए। करने के बाद APK है ना यहाँ पर जाइए। जाने के बाद वो भी अनइंस्टॉल करिए। करने के बाद ये प्रॉपर तरीके से PUBG लाइट, पुराना वाला PUBG लाइट अनइंस्टॉल हो गया। होने के बाद आप इस वीडियो के नीचे दो लिंक मैंने सेंड किया है, एक आपको मिल जाएगा PUBG APK जो कवर होता है ना वो है, और एक है 10 सेंट जो फाइल है 585 MB का है शायद, वो दोनों डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो दोनों डाउनलोड करो, पुराना वाला डिलीट करो। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो, कुछ मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करें, स्किप मत करें भाई, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कर लिया। करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए अब क्रोम पे चला जाओगे, क्रोम पर यहाँ पर टच करके क्या करें, आपने जो APK ऐप को डाउनलोड किया है ना सिंपली उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अब सब कुछ मैं दिखाऊंगी, आप अपनी फाइल में जाइए, आप अपनी मेमोरी कार्ड में जो स्टोर होते हैं ना यहाँ पर आइए। आने के बाद वो मैं क्या खेल है ये मैं दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गो, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल मैनेजर पर मैं आ गया। आने के बाद मान लीजिए ये सब कुछ तो फ़ोन स्टोर में होगा, फ़ोन स्टोर में आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पर मिल जाएगा, आपको डाउनलोड पर मिलने के बाद यहाँ पर क्या करिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या करिए TEN, यहाँ पर क्या करता हूँ 10 सेंट, ये जो 10 सेंट है ना उसे कॉपी करना होगा आपको। कॉपी कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पर ये वाला ये देखिए 558 MB यहाँ पर हो गया, आपको मिलेगा कि 585 का शायद MB होगा, उस हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पर ओनली TEN सर्च किया, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको उसके ऊपर खींच कर रखना है उंगली से, यहाँ पर ये देखिए कॉपी, ये देखिए कॉपी का ऑप्शन आ गया। आने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर ये देखिए आइए फ़ोन स्टोर पे फिर से टच करिए। करने के बाद यहाँ पर ये देखिए एंड्रॉयड पर टच करें। करने के बाद यहाँ पर क्या गलती कर देते हो, ये देखिए नीचे वाला पर अब कभी भी सेंड कर देते हो, इसलिए ये प्रॉब्लम देती है। आपको ध्यान रहे कि OBB, ये देखिए OBB का नाम से है, यहाँ पर टच करें। करने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू फोल्डर बनाना होगा। न्यू फोल्डर कैसे बनाना है, यहाँ पर ये देखिए क्रिएट पर टच करें। करने के बाद
यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाना होगा। कौन सा नाम से क्या स्पेलिंग लिखना होगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, मैं पहले से एक बना लिया है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप न्यू फोल्डर कैसे बनाते हो। तो क्रिएट पर आ जाना, आने के बाद यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू क्रिएट फाइल पर क्या लिखना है, मतलब जो न्यू फोल्डर बनाओगे ना क्या लिखना होगा, COM लिखकर डॉट दे दीजिए, TENCENT, फिर से डॉट IGLITE, ठीक है, ये लिखकर यहाँ पर रख दीजिए। एक न्यू फाइल हो गया और आपने जिस OBB को कॉपी किया है ना उसको उसके अंदर लेके आना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी कर देता हूँ, बाद में आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए आप ये फोल्डर बना लिया COM10SET IG Lite, यहाँ पर ये देखिए लिखने के बाद उसको टच करे, करने के बाद उसके अंदर वो जो आपने 10 सेट को जो फाइल को कॉपी किया ना यहाँ पर प्रेस कर दे। करने के बाद यहाँ पर मैं एक प्रेस कर देता हूँ, क्या करना होगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या करें, उसके ऊपर फिर से टच करें, करने के बाद यहाँ पर क्या करें, मोर पर टच कर देना है। करने के बाद रीनेम, मतलब उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो ZIP ना ये 3 वर्ड को आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 वर्ड को मैं कट लगा देता हूँ, 3 वर्ड को। यहाँ पर OBB एंड में रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रहे, एंड में OBB रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर रेड दिखाएगा, वापस आपको सेव की ऑप्शन पर टच कर देना है, ये सेव हो जाएगा। आप जाइए पबजी लाइट के अंदर, ऐसा कोई ग्लिच का कोई सर्वर का प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। लेकिन भैया आप तो इस बार VPN को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, न्यू जो अपडेट आया है ना विदाउट VPN से नहीं चलता है। तो ये आपको ध्यान रहे, पहले VPN एक्टिवेट कर लीजिए, करने के बाद ये जो ट्रिक मैंने बताया है ना ये ट्रिक कर लीजिए, करने के बाद PUBG ओपन करिए, नहीं तो सर्वर डाउन दिखाएगा और मेरे वीडियो पर आकर आप कमेंट करोगे भाई तू तो फेक वीडियो बनाता है। इसलिए मैं जो ट्रिक बताया है ना ध्यान से भाई अच्छे से कर लो ना, मुझे उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भैया आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, इसलिए भाई वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि पबजी से एंड फ्री फायर से रिलेटेड इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।